गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे कि आप सेल्यूलाइट को कैसे रिड्यूस करें। तो गाइस जो सेल्यूलाइट है ये बहुत ही कॉमन होता है वुमेंस में, लेकिन मेन जो है वो भी सेल्यूलाइट, उनको भी हो सकता है। तो मेन में सेलुलाइट होने के जो रीज़न है वो है अगर वो स्मोकिंग करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन है उनका, या फिर उनका वेट बहुत ही ज़्यादा है तो उन्हें सेलुलाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। और वुमेंस में क्या होता है कि उनकी जो अगर इरेगुलर लाइफस्टाइल है, फूडिंग स्टाइल अच्छी नहीं है, हार्मोनल ग्रोथ अच्छे नहीं है, तो इस वजह से वो सेलुलाइट के प्रॉब्लम को फेस कर सकती हैं। और हाँ गाइस, स्ट्रेस का एक बहुत ही बड़ा वो होता है जिससे आप सेलुलाइट की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो गाइस टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गाइस सेलुलाइट जो है वो स्किन के अंदर फैट की एक लेयर होती है जो इकट्ठी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, और वो एरिया जो है आपको स्वेलिंग थोड़ा सा नज़र आता है। एंड गाइस आज हम लोग बहुत ही होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है कि कप में थोड़ा सा कॉफ़ी लेना है। क्या आप देख सकते हैं मैंने नियरली 2 स्पून्स ऑफ कॉफ़ी लिया है। एंड सेकंड आपको लेना है जस्ट 1 या 2 स्पून ऑफ शुगर। अगर आप शुगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके प्लेस पे सी सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको लेना है ऑलिव ऑयल, ज़रा सा ऑलिव ऑयल लेना है आपको। अब गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ी सी कॉफ़ी। देन इसके बाद आपको लेना है शुगर लेना है, और इसके बाद आपको लेना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल। देन आपको इस मिक्सर को बहुत ही प्रॉपरली मिक्स करना है। गाइस ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप इस रेमेडीज को यूज़ करते हैं। देन वॉट यू हैव टू डू, आपको थोड़ा सा लेना है इसे स्मॉल अमाउंट, एंड गाइस सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है जहाँ भी आपको फील होता हो कि वो सेल्यूलाइट है, जैसे आपकी थाइस, ब्रेस्ट या नेक में। एंड गाइस जस्ट 5 to 10 मिनट्स तक आप इसको स्क्रब करना है, स्क्रब करना है आपको। इसके बाद आप इसे वाटर की हेल्प से वॉश कर लें। गाइज ये आप देख सकते हैं मैंने नियरली फाइव या एट मिनट्स तक इसको मसाज किया है। अब मैं इसको वॉश करूँगी और आपको इसका डिफरेंस भी दिखाऊँगी। गाइज अब आप इसको मसाज करते रहिए 5 to 10 मिनट्स तक। और गाइज इसमें ये जो कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी में कैफीन होती है और ये जो होता है डाइजेशन को स्टिमुलेट कर देता है। जो एंड गाइज जो ये जो स्क्रबिंग है सर्कुलर मोशन में, वो स्किन को पम्प कर देता है और ये जो है रिड्यूस कर देता है अपीयरेंस ऑफ स्किन डिम्पल्स को। एंड लाइक अदर स्क्रब्स, जैसे आप अदर स्क्रब यूज़ करते हैं और जैसे अदर स्क्रब्स हेल्प करते हैं, दिस कैन हेल्प यू टू रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड इट्स अ स्मूदर मोर इवन लुक टू द स्किन। एंड गाइज इट विल हेल्प यू टू टाइटन योर स्किन। एंड गाइज दिस यू कैन गेट अ वेरी टाइटन स्किन, अगर आपकी स्किन लूज है तो आप बहुत ही टाइटन स्किन इससे पा सकते हैं। एंड गाइज आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ दिस स्क्रब क्रीम डेली बेसिस, बट यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट एवरी अल्टरनेट डे इन योर स्किन केयर रूटीन। गाइज कॉफी स्क्रब हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर योर स्किन। एंड वॉट द मोस्ट वंडरफुल थिंग कि इस स्क्रब में आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई भी हार्म नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत रेडनेस स्किन पे हो सकती है वो इस शुगर की वजह से है, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही टेम्पररी होती है और थोड़े ही टाइम के बाद वो जा सकती है। गाइस नियरली मैंने आप देख सकते हैं इसको 5 to 10 मिनट तक मसाज किया है। अब मैं इसे वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद आपको डिफरेंस दिखाऊँगी कि क्या मेरे स्किन में डिफरेंस है। गाइस अब मैंने ये देखिए, मैंने इसमें ये जो पेस्ट मैंने बनाया था उसको मैंने रिमूव कर दिया है, और आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट और शाइनी दिख रही है। और हाँ आप इसे रेगुलर यूज़ कर रहे जैसा मैंने बताया है, और जैसा भी आप एक्सपीरियंस फील करते हो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर करें। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेशन। बाय बाय गाइज, टेक केयर, हैव फन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।